नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है द एजुकेशन में। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को जानकारी देंगे बिहार पुलिस फॉरेस्ट गार्ड 2020 वैकेंसी से संबंधित इंपॉर्टेंट जानकारी, यानी पिछले बार कटअप क्या गया था और इस बार कटअप क्या रह सकती है, इसकी जानकारी आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से देंगे। और साथ में बताएंगे कि पिछले बार कितने बच्चे ने फॉर्म फिलअप किया था और इस बार कितने बच्चे फॉर्म फिलअप किया है, और एक सीट पर कितने बच्चे इस बार फाइट कर रहे हैं और पिछले बार कितने बच्चे फाइट कर रहे थे, इसकी पूरी जानकारी आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से देंगे। यानी पिछले वैकेंसी की तुलना इस वैकेंसी से करके इस बार कटअप क्या जा सकती है, इसकी जानकारी आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से मिलेगी। तो दोस्तों, आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखें, वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें, और अभी तक अगर आप लोगों ने द एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग द एजुकेशन को सब्सक्राइब जरूर कर ले। और दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से प्रत्येक स्टूडेंट का जो मार्क्स आया है उसकी भी जानकारी आप सभी को देंगे। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखें। यानी दोस्तों, पिछली बार की बात करें तो पिछले बार 902 पदों पर बिहार पुलिस फॉरेस्ट गार्ड में वैकेंसी दी गई थी और इसमें 311,425 स्टूडेंट ने फॉर्म फिलअप किया था, यानी एक वैकेंसी पर 345 स्टूडेंट फाइट कर रहे थे और फिजिकल एग्जाम में 2 गुने बच्चे का सिलेक्शन लिया गया था। और इस बार भी उसी तरह से 2 गुने बच्चों को फिजिकल एग्जाम के लिए बुलाया जाएगा। उसके बाद इस बार की बात करें तो इस बार 484 पदों पर वैकेंसी दी गई है और 16 दिसंबर को बिहार पुलिस फॉरेस्ट गार्ड का एग्जाम लिया जाएगा। 37 जिले में टोटल 383 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, परीक्षा 2 पाली में लिया जाएगा और इस वैकेंसी में 354,386 स्टूडेंट ने फॉर्म फिलअप किया है। यानी एक सीट की बात करें तो एक सीट पर 732 स्टूडेंट फाइट कर रहे हैं और 484×2 बच्चे को फिजिकल एग्जाम के लिए बुलाया जाएगा। तो इस बार कंपटीशन काफ़ी हार्ड है और इस बार काफ़ी अधिक कटअप जाएगा। यानी दोस्तों, प्रत्येक स्टूडेंट का मार्क्स आप लोग देख सकते हैं जो इस प्रकार गया है, मेल का फीमेल का प्रत्येक स्टूडेंट इस प्रकार मार्क्स लाए हैं और पिछले बार क्वालिफाई किए हैं। यानी उदाहरण के तौर पर आप लोग देख सकते हैं, फीमेल स्टूडेंट का कटअप 64 गया था, उसके बाद मेल का देख सकते हैं 47.5 यानी 190, एक क्वेश्चन पर 4 मार्क्स दिया जाता है बिहार पुलिस फॉरेस्ट गार्ड के एग्ज़ाम में। जो आपका लिखित एग्ज़ाम होगा वह एक क्वेश्चन पर 4 मार्क्स रहेगा, लेकिन हम 100 मार्क्स पे ही आप सभी को सारी जानकारी दे रहे हैं। तो पिछले बार कटअप इस प्रकार गया था जो आप लोग देख सकते हैं, जनरल एससी एसटी ईबीसी एसबीसी और बीसी वोमेन का कटअप इस प्रकार गया है। और पिछली बार की कटअप की बात करें तो कटअप पिछले बार थोड़ा सीएसपीसी के द्वारा कटअप थोड़ा कम कर दिया है और इसमें अगर आप लोग 3 मार्क्स और जोड़ेंगे मेल स्टूडेंट को तब इतना कटअप पिछली बार गया है, और फीमेल में अगर 5 मार्क्स और जोड़ेंगे तो इतना कटअप गया है, क्योंकि हमने सभी बच्चे का कटअप यानी मार्क्स देखा है उसके अनुसार आप लोग देख सकते हैं। और एक बार और बता दें कि अगर आप लोग बीसी हैं और अच्छा मार्क्स लाते हैं तो आपका सिलेक्शन जनरल में होगा। जैसे कि आप लोग उदाहरण के तौर पर देख सकते हैं, ईबीसी स्टूडेंट का सिलेक्शन जनरल में हुआ है, बीसी स्टूडेंट का सिलेक्शन जनरल में हुआ है। अगर आप लोग अच्छा मार्क्स लाते हैं और जनरल के कटअप को पार करते हैं तो आपको बीसी एससी एसटी से हटाकर जनरल में रखा जाएगा और आपका सिलेक्शन जनरल कैटेगरी में होगा। और इस बार की कटअप की बात करें तो इस बार कंपटीशन काफ़ी हार्ड है, क्योंकि इस बार बच्चे काफ़ी अधिक फॉर्म फिलअप किए हैं पिछले बार की तुलना में। तो इस बार कटअप की बात करें तो इस मार्क्स में अगर आप लोग 3 जोड़ के अगर 10 जोड़ेंगे यानी 72.33 में अगर 13 मार्क्स जोड़ेंगे तो इस बार कटअप जा सकता है। और सभी वैकेंसी जो आप लोग कटअप देख रहे हैं इसमें आपको 13 से लेकर 15 मार्क्स जोड़ना होगा, तभी आपका सिलेक्शन बिहार पुलिस फॉरेस्ट गार्ड में फिजिकल एग्जाम के लिए होगा। तो बाकी आगे की जानकारी के लिए आप लोग द एजुकेशन को सब्सक्राइब जरूर कर ले, और अभी भी बिहार पुलिस फॉरेस्ट गार्ड एग्जाम से संबंधित कुछ पूछना चाहते हैं तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू वॉचिंग फॉर वीडियो।